बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आई हूँ आलमंड टी केक की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़बरदस्त, बग़ैर ओवन बग़ैर बिटर के हम घर में ही बनाएंगे। चलें तो देख लेते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएगा हाफ कप दूध, इसमें हाफ कप ही जाएगा इसमें ऑयल, एक कप जाएगी इसमें चीनी, तीन जाएंगे इसमें अंडे, वन टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस। इन सबको अच्छा सा ब्लेंड करके मैं ले आई हूँ ब्लेंड करके। देखें, इसको इसमें डाल लेंगे। अच्छा जी, ये ब्लेंड हो गया, इसको एक तरफ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1.5 कप मैदा, 1 कप और आधा कप। इसमें मैंने 10 से 12 मैंने बादाम लिया, उनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। देखें, इस तरह मोटा मोटा पीस लिया है। इसको डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, ये भी डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये सारा डाल देंगे इसमें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जो मोटा मोटा नज़र आ रहा है ना आपको, इसमें ये बादाम वगैरह हैं, ठीक है। इस चलें, इसको पैन के अंदर डालेंगे, जिस पैन में हमने केक बनाना है। केक चलें जब इन दोनों पैन में डाल देंगे। इसको टेप कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि एयर बबल्स वगैरह हो तो वो निकलता। हम 4-5 मैंने काट के रख लिए इसको डालने के लिए। भी डालें बादाम, ऊपर भी डालें, ठीक है। ये देखिए, मैंने दरमियानी आँच पे ना इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिए थे दोनों पतीलों को 10 मिनट के लिए, और नीचे मैंने जाली स्टैंड रख दिया, इसके अंदर भी जाली स्टैंड रख दिया। देख लें, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो प्लेट वगैरह स्टील की कोई वो रख लें उल्टी करके। ये देखें, इस पैन के अंदर भी मैंने जाली स्टैंड रख दिया। ये देखें, 10 मिनट में इसको दरमियानी आँच पे पकाऊंगी, केक को बेक करूंगी, और फिर 20 मिनट में जैसे चावल दम पे रखते हैं ना, इस तरह मैं बिल्कुल हल्की आँच कर दूंगी 20 मिनट, यानी टोटल टाइम मेरा लगा था आधा घंटा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें बिल्कुल क्लीन एंड साफ आएगी स्टिक, तो समझ लें आपका बेक हो गया। ये देखें, ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल साफ स्टिक आई एकदम। ये दोनों बेक हो गए, देखें कितने प्यारे फूल हैं इतने अच्छे माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें जी कितने अच्छे बेक हुए हैं। सिर्फ ऊपर से कलर नहीं आया, क्योंकि मैंने पतीले में बेकिंग की, नीचे से बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट एकदम कलर जो होता है वो आया। मैं अभी आगे आपको दिखाती भी हूँ, देखें माशाल्लाह। अगर आप ओवन में करेंगे ना इसको बेक, तो आप 180 पे रख के और 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिएगा ओवन को, और 180 पे रख के आधे घंटे के लिए इसको बेक कर लीजिएगा। देखें, बटर पेपर कितनी आसानी से हट गया माशाल्लाह, देखो कितना ज़बरदस्त बना। सिर्फ कलर वैसा नहीं आता जैसा उसमें से आता है ओवन में, पर ये टेस्ट में बहुत मज़े का बना है और बहुत ज़बरदस्त। आप बेकरी से लेकर आए ना, ये केक इतना महंगा मिलेगा आपको, देखें खुशबू भी इतने मज़े की आ रही है ना। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, छोटा वाला काट लेते हैं पहले। आप इसको बना के एयरटाइट बॉक्स में रख लें, आजकल जैसे गर्मी है चाय वगैरह के साथ खा लें, चाय तो सिंपल कस्टर्ड बना के उसमें भी आप इसकी लेयर लगा सकते हैं केक की। ये देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है, तो कितना खूबसूरत स्लाइस लग रहे हैं अभी केक के, बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा था, और टेस्ट में भी बहुत मज़े के। देखें माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया था। आप भी लाजमी बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। चाय तो कस्टर्ड में लेयर लगा सकते हैं, मैंगो का डिलाइट बन रहा है आजकल, उसमें आप लेयर लगा सकते हो। वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।